डॉक्टर साहब, सैकुल नीमिला जो कि बताया जा रहा है कई सौ करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं, ठगी कर फरार हो गए, पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई प्रेस नोट जारी ऐसा नहीं हुआ कितने रुपए की ठगी कर चुके हैं, कितनी इन्होंने संपत्ति बनाई है, कहाँ कहाँ इनकी संपत्ति है और कितने लोगों के इनके पास पैसे जमा है, अभी तक कोई ऐसा मामला कोई सामने नहीं आया है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सभी भाइयों का जो इस धूप भरे मौसम में आप इस नेक काम में, जो कौम की खिदमत का काम इसमें लगे पड़े हो, आप सारे लोग यहाँ आए हो, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कल का आपको जो हमारा भरतपुर का आईजी ऑफिस का विजिट रहा उसके बारे में थोड़ी जानकारी देने चाहता हूँ, हालांकि अताउल्ला भाई ने उसके बारे में ब्रीफ आप लोगों को कर दिया है। तो राहुल प्रकाश जी, जो हम उसको पहले से भी हमारे उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद हमने जो वहाँ पे शुरुआत करी उसमें हमारे गनी सरपंच साहब थे, मुबीन भाई थे, अताउल्ला, हम सब लोग गए वहाँ। हमने उनसे जो शुरुआत करी, हमने बोला कि आईजी साहब, जो लोगों का पैसा, जिन गरीब लोगों का पैसा ये इन लोगों ने ठगा है, वो पैसा अपनी जगह है, लेकिन आप ये सोचो, जिन बच्चियों की शादी फिक्स हो गई थी, उनकी डेट आ रही है, वो किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, ये हमने उनको बताया कि इसकी भरपाई कौन करेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरी जो सिस्टर है, मैंने सहसन गांव से, उसकी बच्ची की शादी जुलाई में फिक्स हो रखी थी, उनकी बार बार वहाँ से तकाजा रही शादी करो, उनको पता नहीं क्या हो गया, लास्ट में उनसे हमने 3 महीने का टाइम और लिया ताकि कुछ जुगाड़ करके कैसे भी करके शादी को करा जाए। इसी तरह से जो 8-9 हजार लोग हैं वो इसी जद्दोजहद से गुजर रहे हैं, पैसा अपनी जगह है, लेकिन जो उनकी परेशानियां हैं, जो मेंटल ट्रॉमा है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिससे सारे लोग गुजर रहे हैं। हमको ये डर है कि आने वाले वक्त में अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी, समाज के लोगों ने कार्रवाई नहीं करी, कुछ लोग अगर आत्महत्या कर लें इससे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा, उसका जिम्मेदार सैकुल होगा, उसके जिम्मेदार हम सामाजिक लोग होंगे, या उसके जिम्मेदार जो नेता लोग हैं इलाके के वो होंगे। क्योंकि मैं जान रहा हूं, जिस दिन पिछला इंटरव्यू हमारा रहा है, मेरे पास बहुत सारे कॉल आए, लोगों ने वीडियो देखे होंगे, इतने दुखी और इतने फ्रस्ट्रेटेड और डीमोटिवेटेड लोग हो रखे हैं कि जो खाटों में से नहीं खड़े हो रहे हैं। इसलिए ये मुद्दा अगर जल्दी से जल्दी सॉल्व नहीं करा गया तो और पता नहीं इसके कितने सारे कॉन्सिक्वेंसेस होने जा रहे हैं। आईजी साहब ने हमें आश्वासन दिया है, उन्होंने हमें बोला है, उनका नंबर हमें उन्होंने दिया है कि किसी पुलिस थाने में अगर कोई पुलिस अधिकारी रिपोर्ट को दर्ज नहीं करता है, इमीडिएटली आईजी साहब को फोन करा जाए और उससे अवगत कराया जाए। हमको लग रहा है कि आईजी साहब का ऑफिस या उनका डिपार्टमेंट दिल से इसमें लगा हुआ है, लेकिन हम लोगों को, सब लोगों को मिलकर इस चीज को भी करना है कि ताकि पुलिस प्रशासन सही से काम करे, उस पर भी नजर बना के रखनी है। जहां में लगेगा, अगर पटरी से उतर रहा है या लेट हो रहा है या कुछ करप्शन समझ में आ रहा है, तो हम लोग आंदोलन करने के लिए पूरे मेवात के अंदर हम लोग तैयार बैठे हुए हैं। जब तक हमें लग रहा है जांच सही चल रही है, जब तक हमें लग रहा है सारे रास्ते पे सब कुछ सही जा रहा है, रिकवरी होने लगी है, हम लोग पुलिस प्रशासन का सबका साथ दे रहे हैं, हम लोग बिल्कुल कोऑपरेट करके चल रहे हैं। लेकिन हमको लगेगा कि जहां पे न्याय नहीं मिल रहा है, कुछ पुलिस अधिकारी जो रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे हैं, तो हम किसी भी एक्शन से, जो कि एक लोकतांत्रिक तरीके का एक्शन है, उसे लेने से नहीं घबराएंगे, क्योंकि हमको अपने लोगों के लिए न्याय दिलाना ही दिलाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे जो ये ठगों की जो टीम है, इसके जो मास्टरमाइंड है वो सैकुल है या सैकुल के पास पीछे किसी और का हाथ है? देखिए, मैं आपको जो हमारी जानकारी अभी तक आई है, जो आप लोगों से और समाज के लोगों से हम सुन रहे हैं, वो ये है कि हर एक आदमी जो होता है वो कभी अकेला नहीं होता, उसके ऊपर किसी का हाथ भी होता है, उसके ऊपर सह भी होता है, उसमें पॉलिटिकल लीडर भी हो सकते हैं, उसमें सरकारी अधिकारी भी हो सकते हैं, उसमें सामाजिक और लोग भी हो सकते हैं। लेकिन पुलिस जिस तरह से इसको केस को देख रही है, या जिस तरह शिकंजा कस रही है, जो हमें लगता है, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले चंद दिनों में, हफ्तों में, उन सब लोगों के नाम सामने आएंगे। आईजी साहब की मीटिंग में उन्होंने हमें डायरी दिखाई जिसमें उन्होंने किस आदमी को सैकुल ने अपने एक्सेप्ट किया है कि मैंने इतना पैसा दिया है, इतना दिया है,
ये सारा उनके पास नोट है, और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है और जो पुलिस आईजी साहब की इन्वेस्टिगेशन है वो बिल्कुल मैच खा रही है। इसका मतलब जांच जो चल रही है वो सही रास्ते पर चल रही है। अभी जो उन्होंने हमसे दरखास्त करी है और हम आप लोगों के जरिए लोगों से दरखास्त कर रहे हैं, वो ये है कि जो जिसने पैसा दिया है अगर वो पुलिस रिकॉर्ड में नहीं आया तो उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई सेंस नहीं है। मैंने आपको पैसा दिया, मैं किसी से बोल नहीं रहा तो उस पैसे का कोई रिकॉर्ड में नहीं आएगा। डॉक्टर साहब, रिकवरी के मामले में बात करें तो क्या उम्मीद जग रही है रिकवरी के बारे में? देखिए, मैं आपका भाई, जो लोग सुन रहे हैं उनका भाई या बेटा की तरह मैं एक इमोशनल मेवाती आदमी होने के नाते ये बता सकता हूँ कि कल से पहले हमको ये बहुत टेढ़ी खीर लग रही थी, हमको लग रहा था पता नहीं क्या होगा। लेकिन कल जो हमें आईजी ऑफिस में आश्वासन मिला है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें रिकवरी जरूर होगी। और इसमें जैसे अब भाई ने सवाल पूछा पत्रकार साहब ने कि सैकुल कह रहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, सैकुल इतने पैसों को क्या खा गया, क्या उसने जला दिए, क्या उसने नदी में फेंक दिए, उसने कहीं तो दिए हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे हैं, किसी आदमी को दिए। जब रिमांड होगी एक एक पैसा आएगा, वो रिकवर भी हो सकता है, और जो लोगों का पैसा ठगी हुई है उन लोगों को पैसा वापस भी पहुंच सकता है। तो मैं पर्सनली बिल्कुल आश्वस्त हूं कि हो सकता है 100% ना हो, लेकिन बहुत हद तक इसमें रिकवरी के पूरे पूरे चांस है। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग गरीब लोग इसमें फंसे हैं वो दुआ भी कर रहे हैं और उनकी दुआ अल्लाह ताला कबूल जरूर करेगा। जी, पिछली बार आपने कहा था कि हम आंदोलन करेंगे, अगर पैसों की रिकवरी नहीं हुई, गरीबों का पैसा नहीं मिला तो आंदोलन करेंगे, तो ऐसे में आपने अभी एसपी से आईजी से मुलाकात की है तो क्या आश्वासन दिया गया? एसपी के ऑफिस से जो हमें आश्वासन मिला हमने अभी आप लोगों को बताया है, आईजी ऑफिस से जो हमें आश्वासन मिला है, हमें लग रहा है कि जो उनकी अभी एक वर्किंग चल रही है वो एक सही दिशा में चल रही है, इसका रिजल्ट हम देखते हैं। हमने आईजी साहब से बोला है कि हम हर हफ्ते 10 दिन में आपके पास आएंगे और क्या डेवलपमेंट इसमें हुआ है उसकी सर हमें आप जानकारी दो, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोगों का मसला है। जी, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल आप कभी भी आ सकते हैं और हमारे यहाँ से क्या इसमें प्रोग्रेस चल रही है जानकारी ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते फिर से भरतपुर का विजिट करेंगे और फिर से रिपोर्ट लेंगे कि इसमें क्या डेवलपमेंट हुई। हमको लगता है डेवलपमेंट सही हो रही है, हमको लगता है कि रिकवरी का जो वक्त है वो नज़दीक आता जा रहा है, तो हम बिल्कुल साथ देंगे। और हमें लगता है कि अभी इसमें नहीं हो रहा है जैसा हम चाह रहे हैं, तो हमारे पास बाकी रास्ते भी जन आंदोलन के सारे खुले हुए हैं लोकतांत्रिक तरीके से। पीड़ित परिवार का सवाल है, वो बार बार सवाल करते हैं, फोन करते हैं, आंदोलन कब शुरू होगा, ऐसे में क्या आश्वासन देंगे पीड़ित परिवार? आंदोलन मुकदमों की बात देखते हैं। पीड़ित परिवारों से मेरी ये दरखास्त है कि आपका जो दुख है, आपका जो परेशानी है, हम सब आपके साथ खड़े हुए हैं और हम कोशिश भी कर रहे हैं जितनी हमसे हो रही है, हम दुआ भी कर रहे हैं जितनी हमसे हो रही है, लेकिन आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप प्रशासन को, आप जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनका साथ दो। उसका साथ देने का तरीका यह है कि जिसको आपने पैसे दिए हैं, जो एजेंट है, उसका नाम, गाम, अता पता, फोन नंबर लिख के पुलिस में पहुंचाओ, या जो आप लोग हैं जो आपके टच में हैं, अताउल्ला भाई हैं जो लीड कर रहे हैं इस सारी चीज़ों को, हम सारे लोगों कहीं ना कहीं उन लोगों को पहुंचाओ। जितना मैक्सिमम डाटा हमारे पास कलेक्ट होगा उतनी ही इसमें कार्रवाई में तेजी होगी। तो पीड़ित परिवारों से मेरी यही दरखास्त है कि वो अपना काम मुकदमा दर्ज कराने का, जो जो लोगों ने पैसे लेने में इन्वॉल्व है उनका डाटा देने में हमारी मदद करें। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू।